हेलो गुड मॉर्निंग एस फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग वेल। सो कैसे आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल, सो एम आई। सो आज हम देखेंगे झारखंड के हिस्ट्री के बारे में, क्या होते हैं उसके हिस्टोरिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेसी सोर्स एंड द प्री हिस्ट्रिक पीरियड, जो कि तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने से कितने एज तक का ये आपको, तो यहाँ से 2 मिलियन तक पेलियोलिथिक एज है, फिर 1000 सॉरी 2 मिलियन टू 10,000 दैट इज मेसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज। यहाँ हम लोग ये तीनों आज पढ़ेंगे झारखंड के हिस्ट्री के बारे में, क्या थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड क्या क्या झारखंड के हिस्ट्री के बारे में रहे हैं। सो लेट मी चेंज द पेन, आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग पेलियोलिथिक एज देखेंगे, मेसोलिथिक एज देखेंगे और नियोलिथिक एज देखेंगे झारखंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द पेलियोलिथिक एज। ओके, सो कलर चेंज हो गया। सो नाउ तो यहाँ पे आपको पहले देखते हैं कि हम लोग क्लूज ऑफ पास्ट कहाँ से हमें ये सारे क्लूज मिलते हैं, कैसे। तो हम लोग ज़्यादातर क्लूज मिलते हैं बुक इंक्रिप्शन, जैसे बुक जो पहले बुक लिखी हुई थी, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंक्रिप्शन से, कॉइन से और आर्टिफैक्ट, जैसे कि टूल्स मिला उस टाइम पे, बर्तन मिले, वेपन मिले, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स एंड बोन्स, जो कि उस टाइम जानवरों के हड्डी, जैसे क्या होता था कुछ टाइम ज़्यादा लोग जैसे जानवर की हड्डी को, जैसे ये हड्डी हो गया इधर जॉइंट, तो ये किसी को मारने के लिए, हंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे जानवरों के हड्डी को। सो बिल्डिंग मटेरियल लाइक क्ले, होम, बोन, मेटल, ये सबसे यूज़ करते थे। सो इसी से डिपिक्ट किया जाता है कि शायद ये हुआ होगा उस टाइम के टाइम पे। और पेंटिंग एंड स्कल्पचर, जो पेंटिंग उन लोग बनाया करते थे खाली बैठे रहते, जैसे पहले के लोग खाली बैठे रहते थे तो उनका काम कुछ होता होगा नहीं, तो जहाँ पे बैठे, जैसे कोई सपोज ये गुफा में बैठे हैं तो यहाँ पे पत्थर पर कोई चीज़ का पेंटिंग बना दिया, आज जो भी देखते थे वो खुद पेंटिंग कर देते थे, जैसे घोड़े ये सब का पेंटिंग बना दिया, कुछ भी, जैसे खाली बैठे तो आखिर कुछ तो करना पड़ता, बोर कर बैठे बैठे बोर होते होंगे तो शायद पेंटिंग बना दिया करते होंगे। तो ये क्लूज ऑफ पास्ट है, यही हम इसके लेकर यही इसी से पढ़ाई मतलब निकाला गया और इसी के बेसिस पे हम देखेंगे। फिर लिथिक एज की यहाँ पे हम बात करें तो 2 मिलियन पहले था पेलियोलिथिक, ऑलमोस्ट 99% ऑफ टाइम ये वो पेलियोलिथिक में आ जाता है। फिर 2 मिलियन से 1000 BC तक आता है आपका मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज आता है आपका 8000 BC में, और लास्ट में आता है आपका चालकोलिथिक एज, जो कि उधर आपका स्टोन एज और ब्रोंज एज आता है। तो ये 3500 BC तक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा मेसोलिथिक न्यूलिथिक यहाँ पे पूरा है। फिर इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा ये सब सिंधु नदी के थे बारे में, फिर ऋग्वेदिक एरा, फिर यहाँ इसका कोई आइडिया नहीं है अभी तक। फिर लेटर ऋग्वेदिक एरा, जहाँ पे जनपद जनपद बनते हैं, फिर मौर्यास आते हैं, महाजनपद बनते हैं, फिर डार्क एज, जहाँ पे मर्सेंटाइल एज आते हैं, बहुत से रूलर आते हैं जाते हैं इसी टाइम, फॉरेन इन्वेजन होता है डार्क एज में, फिर गुप्ता लोग आते हैं, फिर देन गुप्ता को बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि गुप्ता एज था 300 to 400 and 500। देन आते हैं हर्षवर्धन एंड देन द प्रोफेट मोहम्मद 1600 तक, और अभी हम लोग यहाँ पे इस वाले एज में 2001 में अभी आप लोग यहाँ पे है। सो कमिंग टू द लिथिक एज में, आप यहाँ पे आप देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, तो लिथिक एज में आपको पता है होगा कि पेलियोलिथिक में जैसे उस टाइम मोटे मोटे पत्थर से यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, तो ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे उन लोग सपोज कि एक उधर से जानवर आया, ये सपोज शेर आया और एक आदमी को दौड़ाया होगा, इफ सपोज कि यहाँ पे है, तो ज़्यादातर सपोज मतलब मान ही के चलना पड़ता है कि शायद उसी से मतलब आवश्यकता से आविष्कार होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो उन्होंने पत्थर उठा के किसी मतलब कुछ भी पत्थर शायद उस टाइम पे काम आया होगा ज़्यादा, तो पत्थर से काम किए होंगे, तो फिर देखा उन्होंने पत्थर को, दे फाउंड मोर यूजफुल, सो दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स विद देम, तो पत्थर से उन लोगों ने टूल्स बनाया, फिर देखा कि टूल्स को धीरे धीरे पॉलिश किया कि कैसे अच्छा हो टूल्स को, फिर पेलियोलिथिक केज में टूल्स को पॉलिश किया गया, तो इसी ये भी हमारे झारखंड में मिलता है, इसके भी कुछ कुछ टूल्स हैं। फिर मेसोलिथिक में और पतला किया गया टूल्स को, छोटे छोटे टूल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो मैंने लगाई हुआ है। फिर न्यूलिथिक में पूरे टूल्स को शार्प करने लगे कि आखिर खाने पीने का तो यही था उस टाइम, तो टूल्स को शार्प करने लगे, फिर भाले बनाने लगे उसी टाइम पे, तो ये था उस टाइम का।
फिर चालकोलिथिक एज में तो फिर तो 3500 BC के बाद इधर मेटल का यूज़ होने वाला था। फिर आते हैं हम हिस्टोरिकल सोर्सेज में, जो है कि ऐतिहासिक स्रोत क्या आ रहा है झारखंड के बारे में। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा अगर होगा तो ये आई विल डिवाइड दिस वीडियो इन टू पार्ट्स। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करें तो बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, अगर नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल प्रोवाइड द नोट्स। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू, एंड डिसलाइक एंड डिसलाइक बोथ अपॉन यू, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर टू द योर फ्रेंड्स एंड इट विल हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा झारखंड के इंग्लिश के बारे में। सो आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड दिस वन आई थिंक इज़ द बेस्ट समरी आई कैन एवर मेड। सो बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स आर अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है, लिटरेरी मेंशन भी है, मेंशन भी किया हुआ है कहीं कहीं किताब में, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी से मिले हैं कि झारखंड की हिस्ट्री एंड कल्चर को पढ़ा जा सके। द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड हैज बीन फाउंड टू हैव अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑल मेजर ह्यूमन स्पीसीज सच एज। तो झारखंड के जो यहाँ पे आदिवासी, जो यहाँ पे मूल निवासी रहे होंगे, तो उनको मतलब ये जो मेनली ये इनमें प्रोटो एस्ट्रोलियन प्री डोमिनेट्स इन द ट्राइबल पॉलिसी। तो ये ज़्यादातर प्रोटो एस्ट्रोलियन की प्रधानता है इनके जनजाति में। तो इनके शारीरिक लक्षण जैसे कि निग्रोइड, मोनोग्लोइड, क्यूकोइड एंड प्रोटो ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे ज़्यादातर है, लेकिन मुख्य मतलब मेन ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन ही इनमें ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन में रहा है। सो झारखंड इज प्लेइंग ग्राउंड फॉर द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स एंड देयर कल्चरल ट्रेडिशनल जीनोलॉजीज फोक टेल्स फॉलोइंग ऑफ ट्राइब्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ झारखंड अलॉन्ग विद द आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज। दस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज आर अवेलेबल इन इमेरेबल क्वांटिटी। तो यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों असंख्य मात्रा में झारखंड में उपलब्ध है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड के मेन ट्राइब जो ट्राइब है उसमें कौन सा ग्रुप, मेनली कौन सा ग्रुप डोमिनेट करते हैं। तो अगर ऑप्शन रहा निग्रोइड, मोनोग्लोइड एंड प्रोटो ऑस्ट्रोली, सो एज यू नो दैट झारखंड वॉज एन पार्ट ऑफ लाइक दे झारखंड ट्राइब पार्ट ऑफ प्रोटो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप दैट मेनली दे उसी में बिलोंग करते हैं। सो झारखंड में इमर्जेंस रोल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स ऑफ एंड द कल्चर ट्रेडिशनल जीनोलॉजी फोल्क टेल्स फॉलोइंग ऑफ ट्राइब्स मेनली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ झारखंड लॉग विद आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। सर दोनों स्रोत जो है कि यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीय स्रोत दोनों की असंख्य मात्रा में, बहुत इनमरेबल क्वांटिटीज में ये सब उपलब्ध है झारखंड में। सो असंख्य मात्रा में ये उपलब्ध है। तो जहाँ पे झारखंड के इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए हमें यहाँ के जो लिटरेरी सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, साथ साथ जनजातीय की पारंपरिक वंशाली लोक कथा, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है झारखंड के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो हमें फॉकटेल्स झारखंड की हिस्ट्री का पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स से भी झारखंड की हिस्ट्री का पता चलता है। तो मेनली इस यही को लेके झारखंड में हिस्ट्री में पता चलता है। तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखते हैं क्या है झारखंड में, कैसे झारखंड का हिस्ट्री पता चला है। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो पेलियोलिथिक टूल्स हमें देखने को मिला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। तो पेलियोलिथिक टूल्स एज यू कैन सी दैट ऑब्टेन फ्रॉम बोकारो से पेलियोलिथिक टूल्स जो मिले हैं, लाइक करीब यहाँ पे एक सेकेंड शायद, सो बोकारो से पेलियोलिथिक टूल्स मिले हैं जो कि झारखंड क्षेत्र से आज के लगभग 1 लाख BC के टूल्स थे, जो पत्थर के पेलियोलिथिक, जहाँ पे यहाँ पे मैंने दिखाया था पेलियोलिथिक टूल्स जो थे झारखंड से मिले थे, ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बोकारो के इसको से प्राप्त हुए थे। जैसे मैं हस्कुठार जो बोलते हैं उसको, वो था हजारीबाग के इसको से, सरैया, रहम, दिहांगी, ये सब आर्कियोलॉजिकल खुदाई करने के बाद मिले थे। तो यहाँ पे इसको सरैया, रहम होंगी, ये हजारीबाग से मिले थे। सो नेक्स्ट देखते हैं एन एक्सकवेशन डन एट इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो सप्ताहर, सरिया, राम आर फाउंड फ्रॉम हजारीबाग एंड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट टू रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक्स, क्रैपर, बोरर, सापनर, ये सब मिला है। और कुसुमगढ़, बड़कागांव, बाजार, मुंडू, देसघर, पारसडीह, बड़कागाना एक्सेट्रा से, ये सब जो रूरल एरिया है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, उससे यहाँ पे एक्स, क्रैपर, ये सब देखने को मिला है। सापुर जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, रंगा, काला बाजान, चावन, भंगा डील, यहाँ से भी स्टोन एक्स, स्कल ब्लेड्स एक्सेट्रा, ये सब देखने को मिला है। बुलगारा से भी ये मिला है हमें देखने को। एविडेंस ऑफ प्री स्ट्रिक रॉक स्कल्पचर एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड, ऐसे ये सब भी हमें देखने को मिले हैं। सो ये जो गढ़वा के भवनाथपुर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मैंने दिखाया रामगढ़ के, तो ये रामगढ़ जिले के गोला, कुसुमडी, बड़कागांव, बांसनगर, ये सब मंडू जो है,
ये सब पर्टिकुलर छोटे छोटे पक्षी आदि, यहाँ से कुल्हाड़ी खुरचनी जिसको बोलते हैं, एक्स खुरचनी जो किसी चीज़ को छीलने के लिए होता है, बेंधक, ये से आदि उपकरण प्राप्त हुए। पलामू जिले की बात करें तो रंका रंका वाले एरिया से झाबर, नागर पहाड़ी, बालूगारा से यहाँ पे एक्स मिले हैं, स्क्रैपर मिले हैं, ब्लेड, ये सब मिले हैं। गढ़वा जिले में जो भवनाथपुर वाला एरिया है, जो भवनाथपुर ब्लॉक है गढ़वा का, वहाँ से हमें लाइक सैल चित्र जिसको बोलते हैं, केव्स जैसे कि गुफे में पेंटिंग, जैसे कि पशु जैसे हो गए भैंस और हिरन के, ये सब के पेंटिंग मिले हैं। एंड स्टोन एज फ्रॉम पेलियोलिथिक पीरियड टू न्योलिथिक पीरियड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सप्रेशन एट चकरतरपुर में जो खुदाई हुई थी, वहाँ से भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि इस ईस्टर्न सिंहभूम का एरिया है, जैसे बेबो, ईसाडी, ये सब में आपको देखने को मिलेगा जो पेलियोलिथिक टूल्स थे। हाँ, पेलियोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे वो भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। सॉरी दिस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए कि क्या है कि जो बारून बारोडी में चकरदरपुर में, तो मैंने बता दिया, जो संजय और सोनाला रिवर्स इन बारडी में जो संगम है, यहाँ पे भी जो दो नदियों का संगम था, कौन से नदी यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि जो सोन और नाला जो नदी है बारोडी में, संजय और सोन नाला के संगम पे नवपाषाणकालीन जो होते हैं वहाँ पे पॉट, ये सब भी देखने को मिला है। सो यहाँ पे 1894 में जो दूध पानी में एक्सकेवेशन हुआ था हजारीबाग में, तो यहाँ पे देखिए 1894 में दूध पानी में एक्सकेवेशन, लाइक द 8th सेंचुरी आर्टिकल्स आर डिराइव फ्रॉम एक्सकेवेशन डन 1894 इन दूध पानी हजारीबाग। दूध पानी हजारीबाग में जो एक्सकेवेशन हुआ था वहाँ से ये सब देखने को मिला है। सो रिमेन्स ऑफ 8th एंड 12th सेंचुरी के जो रिमेन्स है उससे पता चलता है कि झारखंड में कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी रहे होंगे। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, द 8th सेंचुरी आर्टिकल्स आर डिराइव एक्सकेवेशन डन इन 1894 फ्रॉम दूध पानी हजारीबाग एंड रिमेन्स ऑफ द लेट 5th सेंचुरी स्कल्पचर हैव बीन फाउंड इन दुमदुमा लोकेटेड नियर दूध पानी। तो दूध पानी जो एरिया में एक्सकेवेशन हुआ था दुमदुमा से, वहाँ पे एक्सपेंशन दिखाया गया बुद्धि म्यूजियम के। तो मुगल एरा में भी कुंडा फोर्ट सिचुएटेड था यहाँ पे, प्रतापपुर ब्लॉक, चतरा का प्रतापपुर ब्लॉक में, जो कि एविडेंस दिखाता है कि झारखंड में मुगलों का भी शासन रहा हुआ रहा है। और नेक्स्ट की बात करें तो कोलवा माउंटेन एंड ऑल्सो नोन एज कौलेश्वरी माउंटेन, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलवा माउंटेन को और क्या बोला जाता है। सो कौलेश्वरी माउंटेन यहाँ पे हिंदू देवी देवता और जैन तीर्थंकर जैसे बुद्धिज्म, ये सब का यहाँ पे मंदिर है, हिंदू देवता और मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिली है। ओके, सो दिस थिंग इज नॉट पॉज्ड। सो यहाँ पे मूर्ति देखने को मिला है और यहाँ पे पहाड़ पे कालेश्वरी पहाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है ये एरिया, और कालेश्वरी पहाड़ सिख धर्म का भी केंद्र यहाँ पे रहा है, जैसे कि माना जाता है गुरु नानक देव के स्थान पर ठहरे थे, गुरु नानक देव स्टेड एट दिस प्लेस एंड कालेश्वरी टेम्पल। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैव फाउंड द सेवरल स्टोन नाइव्स मेड ऑफ न्योलिथिक कार्पेट फ्रॉम बुराहड़ी स्टोन एंड द बैंक ऑफ द रिवर राहड़ू विच इज सिचुएटेड नियर चाईबासा। सो स्लेट के टुकड़े भी मिले हैं राहड़ू नदी के तट पर, जो चाईबासा स्लेट जो पुराना स्लेट रहते थे, तो उसके टुकड़े भी मिले चाईबासा के नदी के, चाईबासा में राहड़ू नदी के किनारे, और ये न्यूलिथिक टूल्स थे। तो यहाँ पे देखिए वेयर वॉज द वेयर इट वॉज, सो यहाँ पे चाईबासा में न्यूलिथिक कारपेट के मिले हैं। फिर इसी रॉय हैज रिसीव्ड अ ग्रे स्टोन चीजल, क्वार्ट्ज स्टोन पॉलिश चीजल एंड आयरन कॉपर फ्रॉम बुरहाटू। बुरहाटू से इसी रॉय को पत्थर की छेनी जो बोलते हैं, जो वो मिला, जैसे किसी चीज में छेद करना तो पत्थर की छेनी, क्वार्ट्ज पत्थर जो रहता है वो मिला है देखने को, और लोहे और तांबे की आरी, आरी जो होता है काटने के लिए आरी ब्लेड, वो ये भी इसी रॉय को मिला है एक्सकर्बेशन में। तो यहाँ पे हो गया चतरा जिले का गिद्धौर जो ब्लॉक है, चतरा द ब्लॉक ऑफ चतरा जिला वेर इट इज, तो ये गिद्धौर ब्लॉक है, तो वहाँ से भी मेघालय का कल्चर का यहाँ पे देखने को मिलता है। सो पलामू की बात करें तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या मिले हैं, तो पलामू में मूर्तियाँ नामक जो एरिया है वहाँ पे बौद्ध धर्म के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, पीसेस मिले हैं, जबकि करुआ धनबाद जो का जो एरिया है वहाँ पे बौद्ध स्तूप का प्रमाण पाया गया है। तो बौद्ध स्तूप जो है करुआ, बौद्ध स्तूप आर फाउंड इन करुआ धनबाद एंड मेनी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट आर ऑल्सो लोकेटेड इन हो बुधपुर एंड दालमीन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे बौद्ध धर्म का भी मिला है यहाँ पे, बुद्धिज्म का। द रूइंस ऑफ बुद्धेश्वर टेम्पल आर लोकेटेड इन द हिल्स ऑफ बुद्धापुर, तो बुद्धेश्वर टेम्पल के जो पार्ट है, जो अवशेष है, वो भी आपको यहाँ पे बुद्धपुर में देखने को मिलेगा। एंड द 13th
इंस्क्रिप्शन ऑफ सोका मेंशन ऑफ आत्विक स्टेट विच आर वेल इन द ट्राइब्स इनहेबिटिंग द सेम रीजन। तो अशोक के जो शिलालेख होते थे वहाँ पे जो पिलर होते थे उस पे लिखा हुआ होता था कुछ कुछ, तो वो 13वां शिलालेख आत्विक जातियों जो यहाँ पे उनका उल्लेख हुआ है जो इसी क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति हैं। तो अशोक के जो शिलालेख था अशोका के, तो उसमें आत्विक जो एरिया था उसमें आत्विक जातियों, वो झारखंड के एरिया को आत्विक प्रदेश मतलब जो था उसमें अशोक के 13वें शिलालेख में आत्विक जातियों का मतलब वर्णन है, उल्लेख है, जो जो इस एरिया में रहते थे जो अशोक के 13वें शिलालेख में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस कौन सा अशोक के कौन से शिलालेख में ये सब पाया गया, आठवीं कास्ट के जो लोग थे विच वेर इनहेबिटिंग इन द झारखंड रीजन। सो रिमेन्स ऑफ 8th सेंचुरी, ये वही मैंने ये मेन पॉइंट है, पाला इडल स्वयं दुमदुमा, यहाँ पे ये वाला ही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट वन, अगर हम ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लेते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज में आके देखते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज में हमें क्या क्या देखने को मिला है। तो अर्लीस्ट अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेज लाइक सैलोट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूज ऑफ द वर्ड किकीट फ्रॉम द छोटा नागपुर रीजन इन द वैदिक लिटरेचर, वाइल इन द लेटर वैदिक लिटरेचर इट इज डिस्क्राइब एज द वृत्त प्रदेश। तो भारत के जो इतिहास रहा है उसमें छोटा नागपुर को किकीट शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे किकीट जो ये रेड कलर का है मार्क, तो आप जानते हैं कि मतलब जो तो एक्चुअली स्पेलिंग रोल है पावर स्पेलिंग रॉन्ग है पावर पॉइंट में, बट यू नो दैट दिस पॉइंट इज लाइक समहाउ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे झारखंड छोटा नागपुर वाले एरिया को किकीट प्रदेश का बोला गया है, जबकि वैदिक साहित्य में ये व्रात्य नाम से जाना जाता था, वैदिक लिटरेचर इन वात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो सो दिग्विजय फेस्टिवल ऑफ महाभारत में इसे पुंदरी के नाम से कहा गया छोटा नागपुर को। और महाभारत में जो झारखंड प्रखंड है उसको पशु भूमि भी कहा गया, क्योंकि जंगल के बहुलता के कारण इस क्षेत्र में जंगली पशु की ज़्यादा होती थी। तो झारखंड रीजन वाज द कैटल एंड बिकॉज द एबंडेंस ऑफ बहुत ज़्यादा जानवर होते थे इस एरिया में। सो यहाँ अमंग द मिडिवल हिस्टोरियन अबू फजल अकबरनामा, सामे सहीफ अर्फीज कंपोजिशन, तीर्थोराज साई एंड सूफी पोएट मोहम्मद जसी वर्क पद्मावत आर द मेजर सोर्सेज। तो ये पे ज़्यादा मेजर सोर्सेज है अबू फजल का अकबरनामा, सामे अजीज सीफ कंपोजिशन, तीर्थ फिरोज शाही एंड सूफी पोएट का ये जो वर्क था उसमें से ज़्यादा मिला। सामे सरीज बिलीव दैट दिस एरिया कॉल्ड द नेम झारखंड ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो सामे सरीज मानते हैं कि ये इसका नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे रहा होगा एक समय पे, लाइक अभी भी है झारखंड में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया। आई दिस वॉइस इज नॉट अगेन क्लियर, आई थिंक नाउ दिस शुड बी क्लियर। लाइक इन दिस एरिया झारखंड ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट्री, झांगर की ऑटोबायोग्राफी तुजुकी जहांगीर में शहबाज खान एंड अबुल वर्क माथिर उल मरा एंड मिर्जा नाथन वर्क इन बहिस्तरीन एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशियो कल्चर हिस्ट्री ऑफ झारखंड फ्रॉम द रोमन कल्चर ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री एंड द अदर हिस्टोरियन सलीम उल्ला। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द झारखंड रीजन इज ऑल्सो फाउंड इन द राइटिंग ऑफ गुलाम हुसैन इन द कम्पोजिशन ऑफ कबीर दास द टर्म झारखंड हैज बीन मेंशन इन अ वर्स। तो यहाँ पे देखिए कि तुजुके जहांगीर जो हुआ, अब्दुल वर का माथिर उल उरमा भी हुआ, तो ये सब में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेन मेन था, तो ये सब में कहीं ना कहीं झारखंड के सोशल एंड कल्चर हिस्ट्री डिपिक्ट करता है कि कैसा रहा होगा। तो यहाँ पे मध्यकालीन एवं अन्य इतिहासकार जो थे सलीम उल्ला और गुलाम हुसैन, इनसे झारखंड के एक अलग ही मतलब जो होते हैं कल्चर सोशल एंड सोशियो एंड कल्चर हिस्ट्री पता चलता है। और कबीर के जो दोहे हैं जो एक रचनाओं में झारखंड पर शब्द का उल्लेख भी पाया गया, कबीर दास की रचनाएं जो होती थी उनके उनमें भी एक झारखंड प्रदेश की जानकारी मिलता है। और नेक्स्ट में बात करें बॉर्मेन का जो बुक था, बॉर्मेन जो राइटर थे उनके बुक था द नियोलिथिक पैटर्न ऑफ द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे द नियोलिथिक पैटर्न ऑफ प्री हिस्ट्री इंडिया प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द 12 टाइप्स ऑफ नियोलिथिक हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ पे 12 तरह के जो प्रकार के जो हस्तकुठार जिसको बोलते हैं जिसको काटने, वो यहाँ पे देखने को मिलता है लिखा हुआ। डीएन मजमूदार की पुस्तक जो थी रिसेज, यहाँ पे डीएन मजमूदार जो इनकी बुक थी कल्चर मैसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब्स ऑफ चेरो खरवार भूमि संथाल एक्सेट्रा, तो यहाँ पे संथाल होगा। तो ये इनका जो किताब था डीएन मजमूदार की रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, इसमें चेरो खरवार भूमि संथाल ये सब अदर ट्राइब के बारे में झारखंड की सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में दिखाता है। डाल्टन रिसीव द बुक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, अमरनाथ दास का द कॉल ऑफ
छोटा नागपुर, अमरदास स्टोरी, फैक्चुअल एनालिसिस, सर्वाइवल हिस्ट्री एंड कल्चर इज प्रेजेंटेड इन टिकल्स बुक, नर्स ऑन अ टूरिज्म इन मांभूम एंड इथोलॉजी ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे इथोलॉजी ऑफ बंगाल पुस्तकों में यहाँ पे यहाँ के जो ट्राइब के हिस्ट्री है और इनका सोशल कल्चरल है, ये सब मेनली इसमें दर्शाया गया है, उल्लेख किया गया है। झारखंड के जो जनजाति इतिहास एंड सांस्कृतिक का जो विश्लेषण है प्रस्तुत किया गया है ये सब बुक में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़, द सेकेंड पार्ट विल कम फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड से जो स्टार्ट होता है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड का ये सब स्टार्ट हो गया। सो दिस वॉज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू।